हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर शर्मा आपका दोस्त। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सीरीज चलाने की पहल कर रहा हूँ जहाँ पर आपको 203 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए मैं एक पेनिसिया क्वेश्चंस होंगे, एक रामबाण क्वेश्चन होंगे। तो इसकी हम आज पार्ट वन आपके समक्ष लेकर आए हैं। आपको कितना प्यार इसको आप इन क्वेश्चन देते हैं और कितना इंजॉय करते हैं आप कमेंट्स में मुझसे बताएं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए डेली लगभग 2 से 3 क्वेश्चन लाया करूंगा जो आपके लिए एक मेल का पत्थर साबित होंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और मोटा मोटी से माने तो लगभग 3 मंथ मान के चले आप कि एग्जाम के अभी बाकी हैं और आप इसको बेहतर से बेहतर, आप कोई भी कमी कोई भी कसर ना छोड़ें और आप अपनी तैयारी को जहां से भी आपको कंटेंट अच्छा मिले आप वहां से उस चीज को पढ़ें। और देखो, हम लेंदी वीडियो देखकर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि लेंदी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और लेंदी वीडियो को सब देखने के लिए कुछ थोड़ा देखा फिर स्किप कर दिया, फिर छोड़कर चले गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप, हालांकि उनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनको आप देखना पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैं केवल आपके समक्ष 2 से 3 क्वेश्चंस में ही एक इतनी अच्छी सीरीज लेकर आपके समक्ष आया हूं कि ये आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, जो आप हर बार क्या होता है कि बच्चा 2 से 2 या 3 नंबर से ही रह जाता है, और वे क्वेश्चंस आपके समक्ष में अब लेकर आया हूं जो थोड़े कहते हैं थोड़े हटके क्वेश्चंस आए सिलेबस में हमने नहीं देखे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से खोज बीन करने के बाद आपके समक्ष लेकर आया हूं, तो आप इनको बूज करें। देखे गाइज, पहला है वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, वो कौन है जो मानव जाति से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। मिस एंथ्रोपी, मिस एंथ्रोपी इसको बोलते हैं, मानव द्वेषी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट नंबर 2, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेंजर्स हो, अपरिचित हो, उसको आप क्या बोलेंगे। एलियंस, एलियंस को आप दूसरा ग्रह के प्राणी भी बोल सकते हैं, तो एलियंस आप यहां पर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, द मीनिंग ऑफ इथोविजा, जो इथानिशिया ये आपका वर्ष है, इसका ऐसा अर्थ है जो लंबे समय से बीमार चल रहा जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं, इसे इसका अर्थ तो होता है आत्महत्या, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, किसी कष्ट में है, कोई अन्य परेशानी कोई बर्डन उसके पास है, तो उससे परेशान होकर स्वयं आत्महत्या कर ले, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मर्सी के लिए। और गाइस, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो, आज की पार्ट वन जो हम आपके पास लेकर आए हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारी मेहनत आपको, अगर आपको लगता है कि ये सीरीज चलानी चाहिए तो आप कमेंट्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें सर्वप्रथम उसका लिंक आपको मिल जाए। तो गाइज, आज के पार्ट में केवल 3 ही क्वेश्चंस में आपके समक्ष लेकर आया था। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।